इतने लोगों का पेट भरती हूँ, जब कहीं जाके खुद खाने को मिलता है उस टाइम को भी अजाब बना देते हैं ये लोग। जल्दी करो हनीफा, ये भी करो वो भी करो। हेलो बाजी। हनीफा, खैरियत तो है? मेरे फोन से परेशान हो गई हो तुम? नहीं, परेशानी नहीं, किचन में काम कर रही हूँ। छोड़ो किचन के कामों को, ये बताओ एलिफ कैसी है? ठीक है बाजी, मतलब इस हाल में जैसे ही इंसान ठीक हो सकता है वैसे ही मैं एलिफ को अकेला नहीं छोड़ती, मेरी नजर हमेशा उसी पर होती है। आप परेशान मत हो। परेशान तो मैं रहूंगी, होती रहूंगी। एलिफ दुश्मन के घर है, हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ। मेरी बात सुनो, अगर उसे कोई भी कुछ कहे या उसे नुकसान पहुंचाए तो मुझे जरूर बताना। अगर वो नागिन यारिन और उसकी माँ उसके साथ कुछ बुरा करना चाहें तो तुम उसे हर किस्मत होने देना। उसको तो संभाल लूंगी मैं, मसला नसू का है। अगर उसने एलिफ के साथ कुछ करना शुरू किया तो हाँ, फिर क्या करेंगी आप, सोचा है इस बारे में? परेशान मत हो, वो कुछ नहीं करेगा। वो मेरे अंदर लगाई गई आग का जश्न मना रहा होगा। लेकिन अगर उसने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम मुझे उसकी फौरन खबर करोगी, समझ गई तुम? ठीक है बाजी, समझ गई। ठीक है ठीक है, चलो चाहो जो कर रही करो। ना मेरा कोई हस्बैंड है ना मेरा कोई चाहने वाला है ऐसा, और इस एज की बात किसी ने बनाना भी नहीं है। आखिर में सारी बात मेरे काम पर आ जाती है ना बाजी?